आप सबका अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। गोल्डन लंगूर इन दिनों चर्चा में क्यों है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्योंकि आप पहले ही आपको सूचित किया जा चुका है कि हमारा वन महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य विशेष से कम 50,000 वृक्ष लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आप सबके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। आप सब स्वयं से एक वृक्ष लगाएंगे और एक वृक्ष अपने से किसी को मोटिवेट कर, किसी को समझा बुझा कर, पर्यावरण के बारे में किसी को जागरूक कर एक वृक्ष उससे लगवाएंगे। और दोनों फोटो आपको azadfoundation.net की वेबसाइट पर जाकर अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले वॉलेंटियर फॉर्म फिल करना होगा। जब आप वॉलेंटियर बन जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपने फोटो को पोस्ट कर सकते हैं और उसके संबंध में एक से दो लाइनें बता भी सकते हैं। तो आप सबकी इसमें सहभागिता चाहिए, क्योंकि आप सबसे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि पर्यावरण में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, पेड़ पौधे किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन सब को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब सिविल सेवा से जुड़े हैं तो बेहतर रूप से आप पर्यावरण के महत्व को समझते होंगे। तो सिर्फ इतना कहना है कि आप सब के सहयोग की नितांत आवश्यकता है और आप सब स्वयं से ही, जरूरी नहीं कि दो ही वृक्ष लगवाएँ, जरूरी यह नहीं है कि आप स्वयं से ही लगवाएं। यदि आप मान लीजिए आपके पास लैंड नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तब इस स्थिति में क्या करना है, आपको किसी को मोटिवेट कर, किसी को जागरूक कर उससे लगवाना है। जरूरी नहीं कि दो ही, आप 10 भी लगवा सकते हो, 20 भी लगवा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आज पहले हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का हमारा विषय है गोल्डन लंगूर के बारे में। और गोल्डन लंगूर जो है ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके माध्यम से ये जो संस्था है इसने इसको इंडेंजर्ड रखा है। इंडेंजर मतलब ये जानवर खतरे में है, ठीक है। खतरे में क्यों है, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि गोल्डन लंगूर पाए कहाँ पे जाते हैं। तो गोल्डन लंगूर की यदि बात करें तो इनकी ज़्यादातर आबादी पश्चिमी असम में और ब्लैक फॉरेस्ट है ये भूटान में, मतलब भूटान और पश्चिमी असम में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि किस क्षेत्र विशेष में, जैसे आपने देख लिया कि पश्चिमी असम में पाए जाते हैं, क्योंकि बंदर हैं, जीव हैं, तो निश्चित रूप से जंगली क्षेत्रों में रहते होंगे, वन क्षेत्रों में रहते होंगे। तो किस प्रकार के वनों में ये रहते हैं, ये जो रहते हैं ये अर्ध सदाबहार वन, जिसको आप बोलते हो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा इनका जो रहने का आवास है वो पाया जाता है मिश्रित पर्णपाती वन में, जिसको आप बोलते हो मिक्स डेसीड्यूअस फॉरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वनों में और मिश्रित पर्णपाती वनों में ये पाए जाते हैं, विशेषकर पश्चिमी असम और ब्लैक फॉरेस्ट भूटान में ये इनकी आबादी जो है वो सीमित है। अब असम की बात करें तो असम में कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में तीन नदियाँ प्रमुख हैं। पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है मानस, तीसरी है संकोस। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मतलब असम के दक्षिणी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। असम के पूर्वी भाग में जो मानस नदी का क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। असम के पश्चिमी भाग में संकोस नदी बहती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूटान में आपको बता ही दिया। और 2009 का जो सेंसस आया था उसके माध्यम से पता चला था कि इनकी कुल आबादी मात्र 5,000 तक ही सीमित रह गई है। और ये सेंसस कब आया था, 2009 में, और चल क्या रहा है 2020। तो निश्चित रूप से इनकी आबादी कम हुई है और यह भी हो सकता है कि ये सिमट कर 50% रह गई है, क्योंकि इतना तो तय है कि इनकी आबादी कम हुई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं कि इनकी आबादी वर्तमान समय में कितनी है, क्योंकि जब कोई लेटेस्ट सेंसस आएगा तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। अब बात आती है कि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कब क्यों हो रही है। सबसे पहली समस्या है आवास विखंडन की। इनके जो आवास थे, अब उनको आप जानते हैं कि फेंसिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रिक फेंसिंग के माध्यम से इनके आवासों को सीमित कर दिया गया है। अब किसान भी अपने फसलों, अपने फलों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग का सहारा ले रहा है, जिसके कारण ये जो जानवर हैं, ये जो पशु हैं, ये क्या होते हैं, बेमौत मारे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फेंसिंग
डिस्पेंसिंग विद्युत शॉर्ट की वजह से जो है ये मारे जाते हैं, इनकी जनसंख्या, इनकी संख्या कम हो रही है। दूसरी क्या है, फेंसिंग के साथ साथ इनकी जो ब्रीडिंग की समस्या है उसमें भी किसी कारणवश कमी देखी गई है, उस अनुपात में ब्रीडिंग नहीं हो पाती है जैसे पूर्व में होती थी। ये रिसर्च की बात है, अब इसके आगे शोध चल रहा है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वो इन्हीं संदर्भों में प्रकाशित हुई है। आप द हिंदू पेपर देखेंगे उसमें आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जंगल दिन प्रतिदिन समाप्त तो हो रहे हैं, इसमें मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगलों में मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है जिसके कारण इनकी संख्या सीमित हो रही है। तो मुख्य रूप से दो से तीन कारण है, पहला है विद्युत तार, दूसरा है ब्रीडिंग की समस्या और तीसरा है जंगल का समाप्त होना। ये तीन महत्वपूर्ण कारक हैं जो इनकी जनसंख्या को सीमित करने में, एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी सीमित करने में जो है योगदान इन तीन कारणों का है। अब असम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादातर जनसंख्या असम में रहती है, असम के पश्चिमी भागों में रहती है। तो आइए असम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विशेषकर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो असम में आपको देखने को मिलेगा काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। ये पाँच नेशनल पार्क आपको असम के संदर्भ में याद होने चाहिए। और इसमें डिब्रू सखोवा तो एकदम याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है कि असम के एक गैस कुएं में या तेल कुएं में आग लगी थी, और जो आग लगी थी वो जो तेल कुआं या गैस कुआं था वो कहां पे था? डिब्रू सखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके समीप में ही था, और इससे डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग प्रभावित हुआ है। इसलिए डिब्रू सखोवा आपको याद होना चाहिए कि यह असम से संदर्भित है, असम से संबंधित है। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व या देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण। देहिंग पटकाई जो वन्य जीव अभ्यारण है विशेषकर असम में है, और इसी के कुछ भाग को एलिफेंट रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है, स्थापित कर दिया है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो एलिफेंट रिजर्व था, इसी एलिफेंट रिजर्व के कुछ भाग में कोयले के खनन को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन पर्यावरणविदों और वहां के स्थानीय लोगों के लगातार विरोध के कारण ये मंजूरी केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। तो इसलिए देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण चर्चा में है और आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है और इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना है। क्या? कि वन्य जीव अभ्यारण से संबंधित ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो समसामयिक संदर्भों में, समसामयिक मुद्दों में चर्चा में रहते हैं। तो समसामयिक संदर्भों में जो भी राष्ट्रीय उद्यान आपका चर्चा में रहता है उसको आपको याद करना है, उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। और जब असम की बात हो रही है तो आपको पता है एक सिंगी गैंडो का एकमात्र जो आवास है वो असम में है। कहां पे है? काजीरंगा और मानस में। इसके अतिरिक्त एक सिंगी गैंडे भारत के एक और राज्य में पाए जाते हैं, वो राज्य है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भी एक सिंगी गैंडे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जब हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं तो एक और आप याद कर लीजिएगा, क्या? माउंट हैरियट नेशनल पार्क। जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहां से एक विशेष पॉम की ट्री थी, पॉम ट्री एक था विशेषकर, इसकी आबादी सिर्फ 400, मतलब इस कैटेगरी के सिर्फ 400 से 500 वृक्ष ही रह गए थे। इसलिए इसको अंडमान से हटाकर, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां से हटाकर इसको पुणे में भी स्थापित किया गया है। मतलब जो पॉम ट्री था उसका दूसरा आवास पुणे में भी बनाया जाएगा। पुणे का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे लाके बसाया गया है। इसके बारे में मैंने पूर्व में भी बताया है, डिटेल यदि आप करंट अफेयर्स हमारा देखते होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा। तो सिर्फ यहां पे ये बताना है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो तीन तो आपको तुरंत याद कर लेने हैं, पहला माउंट हैरियट नेशनल पार्क, दूसरा आपको याद कर लेना है देहिंग पटकाई, तीसरा आपको याद कर लेना है डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों आपको याद होने चाहिए क्योंकि समसामयिक संदर्भों में चर्चा में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।